तुम हमको सम्मान भी नहीं दोगे, इज्जत भी नहीं दोगे, और फिर हमको धमकी दोगे कि बटोगे तो कटोगे। मुसलमान हमको नहीं काटेगा, हमें पूरा विश्वास है। ईसाई हमको नहीं काटेगा, जैन और बौद्ध और सिख हमको नहीं काटेगा। कभी काटोगे तो तुम ही लोग काटोगे, जो तीन लोग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वही काटते आ रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि कटो और बटोए का नारा मत लगाओ, इस बात का नारा लगाओ कि छुआछूत मत करो, ऊंच नीच मत करो। अब अम्बेडकर की मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला लगा कर तुम चलते हो। जिस दिन सही मायने में अम्बेडकर का सम्मान करना सीख जाओगे, अम्बेडकर की विचारधारा को इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलना सीख जाओगे, उस दिन तुमको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बटोगे तो कटोगे। हम लोग नहीं कटेंगे, तुम कटवा रहे हो, तुम मरवा रहे हो, तुम हत्या करा रहे हो। तुमको महमूद गजनवी ने हराया, औरंगजेब ने हराया, अकबर ने हराया। वो क्यों हराया? इस वर्ण व्यवस्था के कारण दूसरे लोगों को लड़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ये देश गुलाम हो गया। 750 वर्ष मुसलमानों से रहा, 400 वर्ष अंग्रेजों से रहा। कौन कौन आते रहे, आप पराक्रमण करते रहे, आप जातिवाद के अभिमान में डूबकर इस देश को गुलाम बना दिया, इस सोने की चिड़िया को कंगाल बना दिया, आज भी बना रहे हो। बटोगे तो कटोगे, ये 6743 जातियों में किसने बांटा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ही धर्म में किसने बनाया? वो तुमने बनाया, तुम्हारे लोगों ने बनाया, तुम्हारे समाज ने बनाया। अरे बांटा तो तुमने है, और तुम कितने बार कट चुके हो। महमूद गजनवी से तुम कटे, शाहजहां से तुम कटे, अकबर से तुम कटे, ये तुम्हारे बांटने का ही फर्क है। यदि आज समाज में समता होती, आज तुम्हें मुसलमानों से डर लग रहा है और भोजन समाज के लोगों को कह रहे हो बटोगे तो कटोगे। इसको बांटने का काम 5000 वर्ष से आपने किया, आपके लोगों ने किया, आज भी कर रहे हैं। तुम कटोगे और बटोगे की, बटोगे और कटेगी की बात कर रहे हो। ये विजेंद्र मेघ, जितेंद्र मेघवाल को मूछ रखने पे मार दिया गया, किसने मारा? ये किसी मुसलमान ईसाई बौद्ध ने नहीं मारा। वो दूसरा एक और था इंद्रपाल मेघवाल, पानी पीने पे उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको प्यास पिला पिला कर मारा, किसने मारा? मुसलमानों ने और ईसाइयों ने नहीं मारा। ये मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ, 4-4 लोगों ने, किसी मुसलमान ने नहीं किया, किसी ईसाई ने नहीं किया। वो बलात्कार उन्होंने ही किया जिनका तुम भय दिखाते हो। जितना यहाँ पर काटा और मारा और लूटा गया है, 5000 वर्ष से जो अपमानित किया गया है योगी जी, वो तुम्हारे समाज ने किया है, तुम्हारे धर्म के लोगों ने किया है। आज भी आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं दलित बहनों के साथ या भोजन समाज के साथ। अनजस्टिस होता है, उनके साथ उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, उनकी बहन बेटियों की असमतें लूटी जा रही हैं, तो उसमें देखना कौन ज़्यादा लोग हैं। और सबसे ज़्यादा निर्दोष और बेगुनाह लोग जेलों के अंदर कौन हैं? ये बहुजन समाज के लोग, मुसलमान और ओबीसी के लोग हैं। तुम कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, अरे हम तो हजारों साल से कटने की बात आ रही है, लेकिन घबरा तुम रहे हो कि जो 5% लोग हैं, जो 15% लोग हैं, वो कटेंगे, क्योंकि वो बटे हुए हैं। हम लोग न बटे हैं, न हम कटेंगे, हम जिंदा हैं, न हम मरेंगे, न हम फूकेंगे। लेकिन तुमने कभी ये कहा कि जातिवाद को ख़त्म किया जाए, मैं इसके लिए कानून बनाता हूँ, वर्ण व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, मैं इसको ख़त्म किया जाता हूँ। जितना जुल्म जातिवाद के कारण हुआ, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक जुल्म रहेगा, जब तक भेदभाव रहेगा तब तक अत्याचार रहेगा, जब तक भेदभाव आदमी और आदमी के बीच में रहेगा गैर बराबरी रहेगी, एक इंसान दूसरे इंसान को कभी सम्मान नहीं दे पाएगा। अरे योगी जी, गाँव में चले जाओ किसी में, आज भी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, शेड्यूल ट्राइब्स के व्यक्ति को, बहुजन समाज के व्यक्ति को आज भी चारपाई नहीं दी जाती, आज भी उनके ऊपर जुल्म होता है, आज भी उसकी मजदूरी को नहीं दिया जाता है। अरे हम लोग तो बटे हुए नहीं हैं, बटे हुए तुम लोग हो, क्योंकि तुमने खुद हमको बांट दिया है, तुमने खुद हमको अलग कर दिया है। तुम हमको सम्मान भी नहीं दोगे,
इज्जत भी नहीं दोगे और फिर हमको धमकी दोगे कि बटोगे तो कटोगे, मुसलमान हमको नहीं काटेगा हमें पूरा विश्वास है, ईसाई हमको नहीं काटेगा, जैन और बौद्ध और सिख हमको नहीं काटेगा, कभी काटोगे तो तुम ही लोग काटोगे, जो तीन लोग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश वही काटते आ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि कटो और बटोए का नारा मत लगाओ, इस बात का नारा लगाओ कि छुआछूत मत करो, ऊंच नीच मत करो, इनका रिजर्वेशन इन्हें दो, रिजर्वेशन में प्रमोशन दो, इनके ऊपर जुल्म मत करो, अत्याचार मत करो। अरे तुमने उनको माफ़ कर दिया, मनीषा के साथ बलात्कार हुआ, उनको फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए था। तुमने मेघवाल को, जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो गई, अभी गुजरात में एक लड़का कपड़े पहनकर जा रहा था अच्छे गाड़ी से, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया गया। अंबेडकर की टी शर्ट पहनना इतना गुनाह है, जब इलेक्शन आते हैं तुम अंबेडकर की बात करते हो, संविधान बचाने की बात करते हो, अंबेडकर को सम्मान देने की बात करते हो, अंबेडकर की मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला लगाकर तुम चलते हो। जिस दिन सही मायने में अंबेडकर का सम्मान करना सीख जाओगे, अंबेडकर की विचारधारा को इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलना सीख जाओगे, उस दिन तुमको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बटोगे तो कटोगे। हम लोग नहीं कटेंगे, तुम कटवा रहे हो, तुम मरवा रहे हो, तुम हत्या करा रहे हो। और ऐसा नहीं है तो हम कहना चाहेंगे एक विल अपनी विधानसभा में ऐसा ले आओ जो जातिवाद मानेगा, जो सरनेम लिखेगा उसे जेल के सींकटों में ठोका जाएगा। कोई भी, सारे लोग केवल अपना धर्म लिखेंगे, जाति नहीं लिखेंगे, सरनेम नहीं लिखेंगे, केवल देश के नाम पर भारतीय लिखेंगे। आप लोग इस तरह की बात करते हो, आज हम पढ़े लिखे लोग हैं, आज हम हर बात को जानते हैं, हम कानून को जानते हैं, हम सोशियोलॉजी को जानते हैं, हम ज्योग्राफी को जानते हैं, आपकी भाषा को जानते हैं, आपकी बागपटता को जानते हैं, हम सारी चीज़ जानते हैं। अब हमको मुगालते में तुम नहीं रख सकते, ये झूठे नारे लगाकर किस तरफ समाज ले जा रहे हो। हम जान रहे हैं कि तुमने गवर्नमेंट तीन चार बार बनाई है और भी बनाते रहोगे, लेकिन समाज का सामाजिक कार्य कभी भी बंद नहीं होगा और हम समाज को जगाने का काम अपने अंतिम दम तक चलेंगे। और कटोगे और बटोगे का, बटोगे और कटोगे का नारा का हम विरोध करते हैं, हम इस बात का समर्थन करते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। जितना जुल्म इतने लोग नागासाकी हिरोशिमा पर बम पड़ा, उसमें केवल 4 लाख लोग मरे एक दिन में, लेकिन ये जातिवादी बम ऐसा है करोड़ों लोग मर गए, करोड़ों लोग मरने के लिए तैयार हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, तुमको महमूद गजनवी ने हराया, औरंगजेब ने हराया, अकबर ने हराया, वो क्यों हराया? इस वर्ण व्यवस्था के कारण दूसरे लोगों को लड़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ये देश गुलाम हो गया। 750 वर्ष मुसलमानों से रहा, 400 वर्ष अंग्रेजों से रहा, कौन कौन आते रहे, आप पराक्रमण करते रहे, आप जातिवाद के अभिमान में डूबकर इस देश को गुलाम बना दिया, इस सोने की चिड़िया को कंगाल बना दिया, आज भी बना रहे हो। मैं इन्हीं शब्दों से कहना चाहूँगा कि योगी जी, जातिवाद खत्म करने की बात करो, इसके लिए एक बिल लाओ कि कोई भी आदमी अपनी जाति नहीं लिखेगा। शर्मा, पांडे, चतुर्वेदी, राजपूत, छत्री, वैश्य, बनिया, ये नहीं लिखेगा। धोबी, धानो, कहाल, लोहार, तेली, तमोली, पाछी, काछी, अरीर, गरड़िया, केवल भारतीय लिखेगा, और जब भारतीय लिखेगा तो भारत के लिए वो समर्पित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ